वेलकम बैक टू यार के फैमिली व्लॉग। तो चलिए आज संदेश स्पेशल हम क्या बना रहे हैं तो दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए आज हम बना रहे हैं पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी के लिए कैप्सिकम, टमाटर, मिर्ची, कांदा, कसूरी मेथी भूल गई। और ये मेन चीज है जो बेसन है, जो हम लोग नई तरह से पनीर भुर्जी बनाएंगे। बेसन को मैंने थोड़ा सा एक चमची बेसन लिया है, बड़ी चमची, और भून लिया है। हाँ, भून लिया है, मतलब थोड़ा सा सेक लिया है। और लहसुन का पेस्ट, आदू मिर्चा का पेस्ट, साथ में है बटर, और यहाँ पे ढेर सारा पनीर, ग्रेटेड किया हुआ पनीर। और यहाँ पे देखिए क्या है, कुलचा। तो मैं कुलचा लेके आया हूँ। आज बनाते हैं पनीर भुर्जी और आप लोग के साथ शेयर करते हैं नई रेसिपी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, गैस ऑन तो है ही, कर दिया था, तो कढ़ाई में डाल देते हैं ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा बटर। आज नई कंजूसी करेंगे, आज भर भर के सब डालेंगे, भले कोई भी बोले, मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ आज कि ऑयल ज्यादा है ये ज्यादा है। क्यों बनाओ बनाओ, तभी तेल और बटर को गरम कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर उसके बाद मेरी फेवरेट चीज जाएगी। सबको पता है अभी आपको कि वो क्या है, मतलब कहना नहीं है। देखिए निकल गई, थोड़ा दर्शन करा दीजिए। हींग, प्यारी दुलारी हींग। तो चलिए हींग भी डाल दी है और तेल और बटर गरम होने ही वाला है, मतलब चालू है होने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे लहसुन का पेस्ट जो मैंने अच्छी तरह से कुट कुट के बनाया। कुटुक 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 वाला लहसुन का पेस्ट पेंट ऑन आज बनने वाला है हमारे घर पे पनीर भुर्जी। तो बहनों और भाइयों बने रहिए हमारे चैनल पे पनीर भुर्जी की रेसिपी में। टिंग टोंग। तो अच्छी तरह से लहसुन को थोड़ी सेकनी है, मतलब थोड़ा सा सेकना है, मतलब थोड़ा अच्छा गोल्डन कलर आ जावे लहसुन को, फिर डालेंगे इसमें तड़ाकेदार फड़ाकेदार चीज, अदरक लहसुन की पेस्ट, नहीं हाँ अदरक मिर्ची, अदरक ये देखिए एक चम्मच, डेढ़ चम्मच, डेढ़ चम्मच देखिए मिर्ची और अदरक, और साथ में अभी हम डाल देंगे दो मिर्च आपके लिए, ये कटी हुई लंबी लंबी मिर्चें है। वाह, ये मिर्चे थोड़ी फ्राई हो जाए ना तो खाने में चार चांद नहीं आठ चांद लग जाए। तो देखिए अच्छी तरह से सब फ्राई हो गया है, तो अभी हम डाल देंगे कांदा। सबसे पहले जाएगा कांदा। तो यहाँ पे देखिए पनीर भुर्जी है तो कांदा तो भर भर के डालना ही पड़ेगा, और आधा किलो पनीर यहाँ पे देखिए बाउल के अंदर छटपटा रहा है कि मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। बार, पनीर की बारी लास्ट में आएगी। ओके अभी आएगी। तो चलिए अभी कांदा डाल दिया है, तो स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, इसमें खत्म हो गया तो ये है नमक शमक, टाटा का नमक, देश का नमक, टिंग टोंग। अभी थोड़ा सा डाल देते हैं, फिर नमक वापस ये वॉश करने में रख, चिपचिपा हो रहा है। तो ये डाल दिया है नमक, प्यारा सा नमक। तो चलिए अभी कांदा को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख देते हैं, तब तक ये बहनी में वॉश कर लेती हूँ, वापस टिश्यू पेपर से पोंछ के उसमें भर देते हैं ताजा का नमक, ताजा वाला। देखिए यहाँ पे अपने कांदा एकदम फर्स्ट क्लास गल गया है, और अभी उसमें डाला जाएगा कैप्सिकम और टमाटर, दोनों साथ में ही डाल देते हैं। तो अभी तकरीबन 5 मिनट ये दोनों को पकाया जाएगा, बराबर है मैडम। और यहाँ पे देखिए नमक भी निकाल दिया, साथ में मिर्ची पाउडर, काश्मीरी, और साथ में किचन किंग मसाला। तो भी गैस पास करके फटाफट इसको भी ट्राई कर लेते हैं। बराबर,
तो ये कस्तूरबे बाकी मेथी कब डालोगे आप? कस्तूरबा की मेथी में, ओके। तो अभी इसमें जाएगी, लेडीज लोग की सबसे प्यारी सेलम वाली हलद, हल्दी। क्या बोल रहे हो? जल्दी जल्दी डाल दी हल्दी, वो भी सेलम वाली, एकदम पीली पीली, देखिए। तो सेलम वाली हल्दी भी इसमें डाल दी गई है। ये आप जो पनीर भुर्जी है मैडम, पीली बनाओगे या लाल बनाओगे? है। तो हल्दी इतनी सारी डाल दी, चलेगा भाई ये? और औरतों को मतलब इतनी भुर्जी भी कितनी सारी बनने वाली है? थोड़ी आज नहीं है, आज ज्यादा है, आधा किलो पनीर है। नहीं पर औरतों को कोई समझ नहीं सकता भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से कैप्सिकम टमाटर भी पक चुके हैं, अभी इसमें डाल देंगे हैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर डल चुकी है फर्स्ट क्लास कलर के लिए, क्योंकि तीखा तो हमने आलू मिर्चा की पेस्ट भी डाली है और दो मिर्ची भी डाली है, मतलब तीखी तो मस्त एकदम टनाटन देगी, ये सिर्फ कलर के लिए देंगे। किचन किंग मसाला, एवरेस्ट का किचन किंग। और अभी इसमें डाल देंगे हम पानी, थोड़ा सा हल्का सा पानी। ताकि और थोड़ा मसाला सॉफ्ट हो जाए, मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा पतला ही बनाना है, ये वाला भुर्जी एकदम ठीक नहीं बनाना, क्योंकि हम लोग ये बेसन डालेंगे ना। तो ये आप देख लीजिए, ये कुछ अलग वैरायटी है मतलब बेसन में। तो ये रेसिपी आप जरूर नोट कीजिएगा और घर पे खिलाइएगा हमारी बहनों को, भाभियों को, माताओं को, भैया को, बराबर ना मैडम? गॉड ब्लेस यू। दो बार छींक आ गई है और ये देखिए अच्छी तरह से उबाल भी बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो भुर्जी के अंदर बेसन, वो भी भुना हुआ बेसन, क्योंकि बेसन सेक के डालते हैं ना दोस्तों, तो टेस्ट उसका कुछ अलग ही रहता है। और ये चीज आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मतलब पहले तो नमक अपन ने डाला था खत्म हो गया था, ये थोड़ा बहुत जो कसर बाकी रह गई है टाटा के नमक की वो डाल दी गई है इसमें। तो देखिए थोड़ा सा पानी और सूख गया क्योंकि बेसन डाला था ना, तो थोड़ा और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो अभी मैडम पनीर, क्योंकि ये अच्छा एकदम मिक्स हो गया है सब। हाँ, और कंटेंट मतलब ग्रेवी कंटेंसी भी अच्छी एकदम ठीक है थोड़ी। तो ये है ग्रेट किया हुआ आधा किलो पनीर, पनीर खाओ खुद जान जाओ। तो देखिए बढ़िया से मसाले में मिक्स किया जा रहा है पनीर को, एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स। तो देखिए अच्छी तरह से मसाले एकदम मिक्स हो गया अपना पनीर भुर्जी का। अभी इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, तो बढ़िया देखिए हाथों से क्रश करके, ये कसूरी मेथी को मालूम नहीं हाथों से क्यों क्रश करना पड़ता है, तो एकदम क्रश करके डाल दिए कसूरी मेथी। अभी इसको भी मिक्स करके अच्छी तरह से इसके ऊपर अभी हम डाल देंगे कोथमीरी, धनिया जो बनिए के पास से मैं लेके आया हूँ, धनिया बनिया का भाई धनिया, और ढक्कन लगा के एक दो मिनट रखते हैं पकाएंगे, ऑयल और छूटेगा। हाँ,
तो तब तक मैं ये कुलचा फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई मतलब बटर में इस तरह सेक लेती हूँ। हाँ, और यहाँ पे देखिए हॉट डॉग भी लिया हुआ है, तो इसमें भी स्टफिंग भर के हॉट डॉग के जैसे आज खाएंगे। तो आज का मतलब मजा ही कुछ अलग है, कुछ न्यू रेसिपी, न्यू वेराइटी, और पनीर की भुर्जी भी एकदम न्यू टाइप वेराइटी में चने के आटे के साथ। तो देखिए यहाँ पे कुलचे के पैकेट कट हो गए, और ये यहाँ हमारे यहाँ पे वो है बेकरी वाला, उसके पास रेडीमेड मिलते ही है कुलचे, सब जगह पे मिलते ही होंगे ना। हाँ मिलते ही है। कौन बनाता है अपने एरिया में? तो खाली ये भैया ही रखता है, दूसरा कोई रखता नहीं है। पहले वो ब्रिटानिया का माल रखता था मैडम, ब्राउन वाला, तो उसने मुझे ऐसा बोला कि ब्रिटानिया का माल जो है ना कोई ज्यादा लेता नहीं था, सब लोग यही लेते, इसलिए ब्रिटानिया हम लोग ने बंद कर दिया लाना। मैंने तो उसको बोला कि ब्रिटानिया वाला टेस्ट भी अच्छा था। ओरिगेनोस, हाँ चिली फ्लेक और ओरिगेनोस तो वो नेचुरल हर्ब है ना। तो देखिए अपने कुलचे करो जैसे आपको करना है। कुलचे अपने देखिए बढ़िया हो गई है यहाँ पे। ये भाजी भी थोड़ा सा डाल के ऐसे भी मिक्स कर देना। नहीं, नहीं ना। क्या करोगे? नहीं मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं उसको सादा ही रखो ना मैडम, समझा? छोले भटूरे, भटूरे कुलचे अपना, भटूरे को क्या बोलते हैं, छोले कुलचे थोड़ी है। और गर्मी से हम परेशान, गर्मी से बेहाल, और गर्मी बोले तो मुंबई में खतरनाक गर्मी है, समझा? ये टाइम ऊपर वाले मेहरबान है अपने पे गर्मी के लिए। और देखिए तेल, देखिए तेल बढ़िया सा छूट गया, आप देखिए ये रेड रेड पूरा तेल ही है। और ये भुर्जी अपनी हो गई ना मैडम, अभी गैस बंद कर लेते हैं। हाँ, और ये अपना हॉट डॉग बना लेते हैं। तो अभी हॉट डॉग काट के हॉट डॉग की स्टफिंग कर जाएगी। और आज बाहर जाने का फ्रेंड्स कोई मतलब नहीं था, मतलब आज हम संडे था, दोपहर को हम लोग बाहर खाने के लिए जाने वाले थे। फिर हमने डिसाइड किया इससे अच्छा कि घर में ही बनाते हैं, घर में ही बना लेते हैं और शांति से बैठ के खाएंगे भी, क्योंकि गर्मी में भी दोपहर को ना एक्चुअली बाहर का तो अवॉइड ही करना है। हाँ। उससे अच्छा ये घर का बना हुआ फ्रेश बढ़िया है। तो देखिए कुलचे अपने फर्स्ट क्लास रेडी। हाँ तो ये दो कुलचे और आ गए। तो फ्रेंड्स आज की हमारी रेसिपी पूरी देखना और जरूर लाइक घर पे ट्राई कीजिए, जरूर कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट्स भी कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी है कैसी नहीं। तो चलिए हॉट डॉग के पाव को मैंने इस तरह बीच में से कट कर दिया है, और अब इसमें भरी जाएगी पनीर भुर्जी की स्टफिंग और बनाया जाएगा हॉट डॉग। तो देखिए बढ़िया सी एकदम फुल ऑन फुल स्टफिंग अंदर भर दी गई है, और यहाँ पे तवी भी गर्म है। अभी डाला जाएगा बटर सिकाई करने के लिए हॉट डॉग। और यहाँ पे देखिए चीज भी ग्रेट की जा रही है उसके ऊपर। तो देखिए आह क्या लबालब हॉट डॉग है। तो देखिए ये एक नई स्टाइल में हॉट डॉग, ऐसे जैसे मगर ने मुंह खोला हुआ है वैसे। तो इसको भी देखिए यहाँ पे सिकाई करने के लिए रख दिया है, और ये चीज इसके अंदर जाएगी। तो मैं थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ कैमरा का, मैडम भी आ रही है कैमरे के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया भुर्जी बन के रेडी है, साथ में कुलचा भी रेडी है, और साथ में हॉट डॉग। और खाने की हम बहुत मतलब बेसब्री से मतलब खाने का इंतजार है, क्योंकि दोपहर हो गई है। तो आज का संडे स्पेशल लंच है पनीर भुर्जी कुलचा प्लस हॉट डॉग। तो फ्रेंड्स चलो खा लेते हैं हम, और आप भी आइए खाने को। और आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये व्लॉग रेसिपी वाला जो है यूनिक रेसिपी मतलब पनीर भुर्जी में कोई यूनिक टाइप बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कि हमारा चैनल है वीआरके फैमिली ब्लॉग्स। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।